हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब राजी खुशी से होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ सूजी का नाश्ता, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सूजी लूँगी। तो सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कप सूजी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप दही। ये 2 कप सूजी मैंने इस बाउल में डाल लिया है और उसके बाद मैं उसी कप से 1 कप दही लूँगी। 2 कप सूजी में 1 कप दही डालेंगे। 2 कप सूजी, 1 कप दही और 2 कप पानी डालेंगे। इसमें मिलाकर अच्छे से आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर आलू की फिलिंग्स बनाएंगे, तो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने 5 आलू। ये बॉईल होने के बाद इसकी फिलिंग्स इसके लिए बनाएंगे, उसको सब्जी की तरह, सूखी सब्जी की तरह बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉईल करने के लिए मैंने आलू रख दिए इसमें। तो बैटर को रेस्ट करने देते हैं। बैटर जब तक सेट होता है तब तक हम सब्जी बना लेते हैं आलू की, जिस तरह से हम बनाते हैं इसमें डोसे में भरने के लिए जो आलू की सब्जी बनाते हैं, सेम उसी मेथड से बनाएंगे ये सब्जी को। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन लेंगे और ये बॉईल हो चुके हैं आलू, इसको मैं कट कर लेती हूँ तब तक, पैन गर्म होने तक। आलू को बॉईल होने के बाद छिलका उतार के इस तरह से कट करके छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है और इसको मैं अभी इसकी सब्जी रेडी कर लेंगे। इसकी सब्जी के लिए अभी पैन गरम हो चुका है। पैन गरम होने के बाद इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसमें डालेंगे हम गरम होने के बाद राई जीरा, और ये मैंने कट करके रखा है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च कट करके रखा है, और ये प्याज है। प्याज नहीं खाना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे सबसे पहले गर्म होने के बाद राई जीरा, पैन लेकर इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम राई जीरा। तो राई जीरा 1 चम्मच डालेंगे। और राई जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज सब एक साथ भी डाल सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, राई जीरा चटक चुका है। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और ये प्याज, और जो प्याज ना खाए वो इसको ना डालें। मेरे यहाँ मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चे लोग खाते हैं तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला प्याज वाला खाना है, तो इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। और इस सब्जी को सेम उसी मेथड से बनाएंगे जैसे हम
डोसे में बनाते, डोसे के लिए बनाते हैं। हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें हल्दी और गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। तो मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, गरम मसाला और नमक। नमक थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हम उसमें भी डालेंगे बैटर में, सूजी के इसमें डालेंगे ना, सूजी का जो बैटर तैयार किया है उसमें हम नमक डालेंगे, इसलिए सब्जी में थोड़ा कम रखेंगे नमक। अब हम डाल देंगे ये आलू। और इसको हम इसको पैन में ही मैश कर लेंगे और थोड़ा मीडियम फ्लेम में बनाएंगे इसको। एकदम पूरा मैश नहीं करना है, हल्का हल्का मैश करेंगे इसको, क्योंकि मैंने पहले ही कट करते समय आलू के पीस छोटे रखे थे और अभी इसको थोड़ा सा हम मैश कर देंगे तो फिलिंग्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये सूजी का झटपट बनने वाला नाश्ता है, तो इसको आप भी घर में ट्राई करें। और सभी को पसंद आता है ये घर में। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, तो हम अब इसको बंद कर देंगे और आगे के तैयारी करेंगे। ये देखिए हो गई है तैयार। अब इसको हम अलग हटा के तवा गरम करेंगे गैस ऑन करके। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसको मैं तवा रख दूंगी, नॉर्मल तवा में ही बनाऊंगी इसको। ये जो बैटर है सेट हो चुका है काफी अच्छे से, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप इस कप से, छोटे कप से। छोटे कप से आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के लिए थोड़ा नमक। नमक थोड़ा इसलिए कि सब्जी में भी डाला है, थोड़ा ही डालेंगे। और डालेंगे इसमें ये जो खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, इसको भी हम थोड़ा पानी में मिक्स करके डालेंगे। पानी में मिक्स करके इसलिए डालना है क्योंकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा, यदि हम ऐसे ही डालेंगे तो वो एक ही जगह जमा रहता है। पानी में मिक्स करके डालेंगे इसमें सोडे को इस तरह से, और सोडा डालने के बाद इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। तो अच्छे से आपस में मिक्स करके घोल इतना गाढ़ा रखेंगे, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो सोडा और दही का रिएक्शन आपस में होने की वजह से देखिए और काफ़ी फूल चुका है। बस ये ठीक है, इसका बैटर सही है, ये इतना गाढ़ा रखना है। देखिए अब इसको हम तवा में डालेंगे। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। मिन्ना बाद में मिलेगा खाना, जा नहीं बोलता है। ये हमारा मिन्ना भी तंग कर रहा है, इसको पल पल में कैट फूड चाहिए। तो इस तवे में बनाओ, चाहे पैन है तो पैन में भी बना सकते हैं। तो ये तवे में मैं बना रही हूँ। तवे में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको एक चम्मच में डालूंगी और इसको हम ऐसे फैला लेंगे।
बस एक चम्मच का बेस बनाएंगे इसका। अब इसको हम एक लिप से कवर कर लेंगे थोड़ा देर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये इसका सब्जी का से बॉल बनाएंगे, थोड़ा सा इसको प्लेन करेंगे। आधा सीखने के बाद, आधा जैसे ये सीख जाए उसके बाद ही इसको उसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये आधा सीख चुका है, तो इसको हम सेंटर में इसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके। इस तरह से बाकी कवर कर लेंगे। ऐसे लगाने से क्या होता है, उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो खराब हो जाता है, इसलिए हाथ में थोड़ा सा रेडी कर लो और बाकी हम ऐसे रख सकते बाद में। और इसके ऊपर से फिर हम एक और लेयर पतली सी बैटर की रखेंगे, ज्यादा गाढ़ी नहीं, थोड़ी पतली रखेंगे। बस ये कवर हो जाए सब्जी, बस उतना ही डालेंगे और ऐसे फैला लेंगे। इस तरह से इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और इसको स्लो फ्लेम में थोड़ा और होने देंगे। अब इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम में और चारों तरफ से ऑयल डाल के इसको ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर, ताकि अच्छे से ऊपर का जो हमने बाद में डाला है बैटर वो भी पक जाए। इसके बाद हम इसको उठा के देखेंगे, हमारा इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, देखेंगे कि ये पक चुका है, तो इसको हम हल्के हाथ से पलट लेंगे ऐसे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ज्यादा नहीं, और ये साइड में थोड़ा सा डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, फिर से मीडियम फ्लेम में इसको नीचे से सिकने देंगे। और यदि इसको टमाटो केचप है या टोमेटो केचप या फिर कोई चटनी है, ग्रीन चटनी बना के आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। मैंने देखो ये टोमेटो केचप इसमें निकाल दिया है, इसी के साथ सर्व करूंगी। चटनी हो तो चटनी भी बना सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी है जिसके साथ आप खाना चाहे। देख लेते इसको दूसरी साइड से भी पक चुका होगा, इसको चेक कर लेते दूसरी साइड से कैसा पक चुका है। तो एकदम एक मिनट भी नहीं लगा इसको, देखिए पक चुका है। इसी तरह से बाकी के भी हम रेडी कर लेंगे, और इसको मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। अट के देख लेंगे अंदर से कैसा तैयार हुआ है ये, तो मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको कैसा दिख रहा है अंदर से। ये देखिए ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारी चटनी, और इसके साथ हम और एक चटनी है वो भी ले लेंगे मूंगफली की। ये दूसरी चटनी है मूंगफली की, ये भी रख लेंगे। और आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म सूजी का नाश्ता रेडी है। हाँ क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, क्यों बार बार भूख लग जाती है, रोता ही रहता है मम्मा।
मीना लो बाबा, मेरा मीना, मेरा मीना भी खाएगा, मेरा मीना भी खाएगा। देखो हमारा मीना ये भी खाऊंगा बोल रहा है। क्या खाएगा मीना, क्या खाएगा? वो तो खाएगा नहीं जो बन रहा है। किचन में आना मना है ना, फिर भी आ जाते हैं बाल लेकर अपने। हाँ अच्छा है मीना, बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो मीना। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, मेरी आज की ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी? यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही दूसरे वीडियो को मैं लेकर आऊँगी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।